अस्सलामुअलैकुम, क्या चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्द हुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 298 पाकिस्तानी फियर डेड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया, ग्रीस माइग्रेंट। तो भाई साहब, ग्रीस जो है वो डंकी लगा के जाते हैं पाकिस्तान से, जो लोग हैं तुर्की के रास्ते ईरान से होते हुए, तो देखते हैं काफी लोग जो है रिस्क लेके जाते हैं। कई लोग पहले भी मर चुके हैं और ये वीडियो जो है वो काफी खतरनाक हो गई है। वर्ल्ड फेयर की वीडियो भाई साहब, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कॉर्नर करते हैं, 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तानी मीडिया आज के समय ये क्लेम कर रहा है कि अराउंड 300 पाकिस्तानी लोग एक बहुत ही बड़े माइग्रेंट बोट ट्रेजेडी में ग्रीस के पास मारे गए हैं। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल द नेशन के, ये एक पाकिस्तानी न्यूज़ पोर्टल है। यहाँ पर लिखा है कि 298 पाकिस्तानीज फियर डेड। नाउ मैं ये बता दूँ, फियर्ड डेड का मतलब यह है कि आशंका जताई जा रही है, पॉसिबिलिटी है कि इतने लोग मारे गए हों ग्रीस के पास, क्योंकि एक जो शिप थी जहां पर बहुत सारे माइग्रेंट्स यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे थे, ये रास्ते में पलट गई और उसके बाद बहुत से माइग्रेंट्स मिसिंग हैं। एटलीस्ट पाकिस्तान की सरकार तो ये कह रही है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको ये लोग कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, यहाँ से 50 लोग तो मिसिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की सरकार भी धीरे धीरे जो ऑफिशियल नंबर है इसको कोट करना स्टार्ट कर देगी, बट इन रियलिटी कितने पाकिस्तानी मारे गए हैं इसके लिए डीएनए चेक करना पड़ेगा डेड बॉडीज़ का, उसके अलावा बहुत सी और जांच पड़ताल होगी। बट अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान के पीएम ऑलरेडी इस पर ट्वीट कर चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन खुद कह रहा है कि ये हो सकता है कि मेडिटेरेनियन का अब तक का सबसे बड़ा माइग्रेंट डिजास्टर हो। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे सबका मतलब क्या है, कौन सा माइग्रेंट डिजास्टर, पाकिस्तानियों को क्या हो गया, ग्रीस क्यों जा रहे थे। अभी मैप में देखो, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये लोग ऑल द वे ग्रीस, यहाँ पर क्यों जाएंगे, इनकी नाव यहाँ पर क्यों डूबेगी। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों को, किसी के मरने पर इनसेंसिटिव कमेंट मत किया कीजिए। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने का अधिकार है, बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ज़्यादा इनसेंसिटिव कमेंट्स मत करिएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे कि जी हमारे यहाँ जब लोग मरते हैं पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं, वो हंसते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए, हमें उनकी तरह नहीं बनना ना, वो जो करते हैं छोड़ो, हमें बेहतर इंसान बनना है। तो मेरी एडवाइस है, बाकी आप सबके ऊपर है, किसी के मरने पर इनसेंसिटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि अभी इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी, बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, ये एक बड़ा डिजास्टर उभर के आएगा पाकिस्तान के लिए, इवन मैं कहूँगा यूरोप के लिए भी। और यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल है, ये लिखा है जी, ग्रीक माइग्रेंट बोट डिजास्टर मे बी द वर्स्ट ट्रेजेडी एवर इन द मेडिटेरेनियन सी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि माइग्रेंट्स की इतनी ट्रेजेडी हो चुकी है यूरोप के बीच में, अब यहाँ पर यह कह देना कि यह सबसे बदतर हो सकती है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा लोग कभी ना मारे गए हों। यूएन जब खुद कह रहा है कि 500 लोग मिसिंग है, काफ़ी लंबे समय से मिसिंग है, तो मृतकों का आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है यहाँ पर। और अभी के लिए देखिए, यूरोप में जो देश हैं ये सब आरोप लगा रहे हैं स्मगलर्स पे कि उन स्मगलर्स को पकड़ो जिन्होंने मासूम लोगों को सपने दिखाए कि आप ना यहाँ पर अफ्रीका के आसपास कहीं पे आ जाओ या फिर टर्की के आसपास आ जाओ, वहाँ से ना हम बोट से आपको ग्रीस में ले जाएंगे। और इस केस में देखिए हुआ यही है, बहुत से केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर क्या रहता है कि कुछ स्मगलर्स होते हैं लीबिया में, इजिप्ट में, अल्जीरिया के आसपास, इवन टर्की में हो सकते हैं, वो भोले भाले लोगों को, अब भोले भाले क्या जैसे भी आप कह लीजिए, यंग लोगों को ये कहते हैं यूरोप जाना है, यूरोप में अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, बेहतर ज़िंदगी, वीज़ा तो मिलने से रहा ना, तुम स्किल्ड वर्कर हो, इंटरव्यू में तुमको फेल कर देंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के ही मना कर देंगे, चुपके से जाना है इल्लीगल तरीके से। तो ये लोग क्या करते हैं, स्मगलिंग करवाते हैं, कुछ पैसे ले लेंगे ये लोग, मोस्ट प्रॉब्ली $2,000-3,000 की ये बात करते हैं, उसके बाद एक ओवर क्राउडेड शिप में इलीगल तरीके से कोशिश करते हैं कैसे भी करके ना यूरोप की नेवी से बचकर, कोस्टल गार्ड से बचकर, ग्रीस में कहीं इन माइग्रेंट्स को पटक दो, फिर उसके बाद आराम से यूरोप में कहीं घूमते रहेंगे। कहीं पर मान लो पुलिस ने धर लिया, हाँ जी तुम यहाँ के लग नहीं रहे, कहाँ से हो तुम, तो बोल देना जी मैं पाकिस्तान से हूँ या फिर सीरिया से हूँ या फिर इजिप्ट से हूँ, वहाँ पर वॉर चल रही है, सिचुएशन बड़ी ख़राब है, खाने को नहीं है, प्लीज़ जगह दे दो।
तो यूरोप में देखिए बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो असाइलम सीकर्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी लॉज हैं, प्रावधान हैं, तो जगह मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, तुम्हें वापस डिपोर्ट कर देंगे या कुछ होगा, तो लोग ये रिस्क भी लेने को तैयार हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे तो ये लोग ज़्यादातर कहाँ के होते हैं? ज़्यादातर होते हैं जी ये पाकिस्तान के, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उसके अलावा अफगानिस्तान के हो सकते हैं, सीरिया के, मैं कहूँगा लीबिया के भी, अल्जीरिया के, अफ्रीका में बहुत सारे लोग हैं वो भी इलीगल तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि यूरोप में ऐसा क्या है कि लोग इलीगल तरीके से जान पर खेल कर भी कैसे भी कोशिश करते हैं यूरोप में पहुँच जाऊँ, देखो यहाँ पर ना मैं एक कॉमेंट हाईलाइट करना चाहूँगा। रिसेंटली ये कॉमेंट न्यूज़ में थी, कई लोगों को पीड़ा हुई है कमेंट सुनकर, मगर मुझे बताना होगा आपको इसके बारे में। ये आपके सामने जो व्यक्ति हैं इनका नाम है जोसेफ बोरेल, यूरोपियन यूनियन में हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, फॉरेन अफेयर्स को संभालते हैं। इन्होंने रिसेंटली ये कमेंट कर दी, इन्होंने ये कहा कि देखिए यूरोप ना एक बागीचे की तरह है, यूरोप इज़ ए गार्डन एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक जंगल है। इन्होंने ये कह दिया यूरोप तो एक मतलब बागीचा है, बाकी दुनिया जंगल है। अब ये जो कमेंट है ये सुन के कई देशों को गुस्सा आया कि जी तुमने बागीचा तो बनाया है मगर दुनिया भर में आग लगाकर लोगों का खून चूस कर, लोगों ने खूब भला बुरा कहा और बाद में जोसेफ बोरेल को माफ़ी मांगनी पड़ी, कहा कि जी जंगल नहीं बोलना चाहिए था, मैं ये तो कहूँगा कि यूरोप गार्डन है मगर बाकी दुनिया को जंगल बोलना गलत था। ये कोई भी कहेगा, दूसरे को नीचा बोलकर खुद को ऊपर उठाने वाली जो कमेंट्स होती हैं दुनिया उसकी आलोचना करेगी, मगर ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में यूरोप यूएसए को भी बीट करता है। यूएसए अच्छा है मल्टी मिलियनेयर लोगों के लिए, अगर बहुत सारा पैसा है ना आपके पास तो मैं कहूँगा यूएसए में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी आप पैसा कमा सकते हैं वगैरह, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से, हेल्थ केयर के हिसाब से यूरोप कई गुना आगे है इवन यूएसए से। आप देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूएसए बहुत पीछे मिलेगा आपको, यूरोप यूएसए से भी आगे है। और इसलिए देखो मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से कई लोग हैं वो इलीगल तरीके से यूरोप में पहुंचने की कोशिश करते हैं। और एक टाइम पर ना यूरोप ने ये जो माइग्रेंट्स आ रहे थे इनको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी किया, एक्सेप्ट इन्होंने ये सोच कर किया कि जी हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, हमारी पॉपुलेशन श्रिंक भी कर रही है, या ये बाहर से लोग आ रहे हैं, यंग नौजवान लोग हैं, लेबर फोर्स का पार्ट बन जाएंगे। मगर कुछ ही सालों में यूरोप ने ये देखा कि ये लोग असिमिलेट नहीं करते, घुलते मिलते नहीं हैं, कल्चर का पार्ट नहीं बनते, उल्टा काफ़ी जगह क्राइम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कई आपने वीडियोस देखी होगी जहाँ पर लिखा होता है कि जी ये यूरोप का ये देश है, यहाँ पर बाहर से माइग्रेंट्स आए, यहाँ पे इन्होंने लोगों को मार दिया या फिर कुछ क्राइम कर दिया। तो आज के समय देखिए यूरोप के देश माइग्रेंट्स को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे जितना एक टाइम पर किया करते थे। और इसलिए जो ये इलीगल बिजनेस होता है ना कि लीबिया से या इजिप्ट से एक टूटी फूटी बोट पर 2-3 लाख रुपये लेकर कोशिश करो कि लोगों को कैसे भी करके ग्रीस तक पहुँचा दिया जाए, ये बड़ा रिस्की हो गया है, क्योंकि इन कंट्रीज़ का जो कोस्टल गार्ड सिस्टम है काफ़ी एक्टिव है। तो इसलिए काफ़ी बार शिप्स जो है ना ये स्मगलर्स की, जब मौसम खराब होता है, स्टॉर्म आ रखा होता है, तब भी चल पड़ती है इस उम्मीद से कि क्या पता रास्ता साफ मिल जाए, जो ये माइग्रेंट्स हैं इनको यूरोप तक पहुँचा देंगे। और इस केस में भी यही देखा गया है, बट मैं यहाँ पर ये कहूँगा ये जो पर्टिकुलर केस है ये पाकिस्तान को बुरी तरीके से एक्सपोज करता है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो लोग मारे गए हैं इस ट्रेजेडी में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। और इस ट्रेजेडी के बाद इंडिया डेफिनेटली ये सवाल उठाएगा कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इतना गरीब रखा हुआ है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब्स नहीं है, प्रेस वगैरह तो खैर आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी, उल्टा जर्नलिस्ट के लिए जो इंडियन साइड का कश्मीर है ये ज़्यादा फ्री है कंपेयर टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस एरिया को देखिए पाकिस्तान ने इतना गरीब रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये इतना पीछे हो गया है कि यहाँ के लोग ना अब सीरियंस के साथ, जो बाकी मिडिल ईस्ट के लोग हैं जो जंग से भाग रहे हैं, उन्हीं के साथ ना कोशिश करेंगे कैसे भी करके यूरोप में पहुँच जाएँ। इस टॉपिक को लेकर इंडिया ने लंबे समय से ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो रियलिटी है ना ये कंप्लीट डार्कनेस में है, लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे कितनी गरीबी फैल चुकी है, कितने लोगों ने सफ़र किया है यहाँ पर। और आप ओवरऑल देखो ना तो पाकिस्तान आर्मी की जो जिद है ना कश्मीर को लेकर, इसकी वजह से इस रीजन ने, कश्मीर के लोगों ने, यहाँ पे जो गिलगित बाल्टिस्तान है यहाँ के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सफ़र किया। आप सोच कर देखिए अगर ये कश्मीर का इशू ना होता, पाकिस्तान को कोई आवश्यकता नहीं थी इतनी बड़ी आर्मी रखने की, इनकी आर्मी इनकी डेमोक्रेसी पर हावी ना होती, पाकिस्तान एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री होता, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोगों के बारे में सोचती, रीजन में भी काफ़ी पीस होता, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होते। मगर यहाँ पर मैं यही कहूँगा ये जो जिद है पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर,
इसकी वजह से आज के समय देखिए इंडिया पाकिस्तान को तो लॉस हुआ ही है, सबसे ज़्यादा लॉस फेस कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जब पंजाब प्रोविंस को प्रॉपरली रन करने के पैसे नहीं होंगे तो आप इमेजिन करिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये क्या दे रहे होंगे। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे नंबर सामने आते हैं मृतकों के, इंडिया को डेफिनेटली ये सवाल पूछना चाहिए कि पाकिस्तान POK में क्या कर रहा है कि लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, बिल्कुल यूरोप की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनको एक एंट्री मिल जाए, एक बार को अपनी जान के साथ भी जुआ खेलने को तैयार है। किस टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये क्वेश्चन देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ना अवेयर कराया जाए कि जो स्मगलर्स हैं लीबिया में, इजिप्ट में या अल्जीरिया में, इनकी बात मत सुनिए, इलीगल तरीके से यूरोप में एंट्री करने की कोशिश करोगे तो एक बार को हो सकता है कि जान चली जाए। और इन कंट्रीज की गवर्नमेंट को भी कहना होगा कि इन स्मगलर्स को रोकिए, इनकी वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक देखिए अभी एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, उन पर मैं बाद में वीडियोज लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अकेडमी की जो मेगा सेल है UPSC की खत्म हो जाएगी, तो अगर आप UPSC कोर्स परचेज करना चाहते हैं नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC आइकॉनिक कॉम्बो का, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये स्पेशल कॉम्बो कोर्स बाय अकेडमी, जिसके अंडर आपको UPSC कोच भी मिलता है जो इंश्योर करेगा कि कोर्स परचेज करने के बाद आप कोर्स को फॉलो भी करो, ऐसा नहीं है कि बस बैठ गए कोर्स को लेकर, और यहाँ पे आपके UPSC प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी हो जाती है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं 2-3 साल बाद आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना UPSC का, तो इस कोर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा हादसा है, पहले भी एक हादसा हुआ था उसमें भी काफी लोगों की जान गई थी, तो सर बोल रहे थे कि ये ज्यादा जो है वो कश्मीर के लोग थे, कश्मीर के नहीं भाई, ये हमारे गांव के भी लोग जाते हैं लेकिन इससे वो जो हादसे हुए उनसे वो बच गए। हमारे गाँव के मैं कहता हूँ तकरीबन 100 के करीब तो लोग गए होंगे इसी रास्ते से, और वो आज से नहीं जा रहे, वो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले से जा रहे हैं। हाँ, उस वक्त रुझान कम था, वो एक आधा एक दो चले जाते देखा दिखा, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ ज्यादा गए थे। लेकिन हमारे यहाँ वो एक लड़का था उसकी डेड उधर खतरनाक है, कोई भी अब नहीं उधर से जाता। यार ऐसे दो नंबर तरीके से है ना, ये जो अफ्रीका के लोग हैं ये उनको उकसाते हैं कि हम आपको ले जाएंगे। अफ्रीका के लोग पाकिस्तान के एजेंट होते हैं उधर, यार वो जो काले वगैरह होते हैं वो ही आगे लेके जाते हैं ना। अच्छा तो ये हाथ फैले हुए हैं ना ये भाई, इस तरह काम करते हैं कि भाई एजेंट जो होते हैं ना वो इधर से पैसे लेते हैं, और उनका डन बेस पे होता है काम कि जब बंदा पहुंच जाएगा तब पैसे लेने, तो किसी थर्ड पार्टी के पास वो पैसे रख देते हैं। तकरीबन 7-8 साल पहले तो 5-6 लाख रुपया लेते थे यूरोप का, लेकिन अब तो है 15-16 लाख तक पहुंच चुका है। नहीं 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 यार 25-30 डंकी था, डंकी का वैसा 23-23 लाख ले रहे हैं। नहीं नहीं यूनान का है, और जो है यूरोप का पैसा 35-40 लाख की बात कर रही है, जो जो इलीगल है उसका भी इतनी तकरीबन कर रहे हैं। 25 लाख में यूरोप को मिल जाएगा? नहीं 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 35 से ऊपर होगा भैसा, और वो भी डायरेक्ट नहीं है, किसी और जो है ना छोटे मोटे कंट्री में ले जाना, उधर से अप्लाई उधर यूरोप का करवाना, और वो भी 50% चांस देते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो ये जो रिस्क लेते हैं ना, ये यहाँ के जो होते हैं ना सख्त लौंडे, जो एक तो सारे सख्त लौंडे नहीं होते, मोस्टली होते भी है, काम नहीं करते
और वो उनकी ख्वाहिश होती है बाहर जाने की, ये भी होता है मतलब। ये बात भी देखा देखी लोगों का, जब लाइफस्टाइल देखते हैं ना जो बाहर गए होंगे उनकी फैमिली का लाइफस्टाइल देखते हैं, मेरे ख्याल में दिल करता भाई साहब हमारी भी ऐसी हो सच में। ना लायक होगा ना वो एक बार का सोचता कि इधर कौन सा नौकरी नहीं है जॉब नहीं है, वो लायक भी भाई साहब जा रहे हैं पढ़े लिखे कसम पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं होते हैं मोस्टली है, लेकिन आज का जो दौर है ना नौकरियां मिल नहीं रही और कोई इतना रुझान है नहीं को कारोबार मिलने के चांसेस है भाई साहब, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अब जा रहे हैं क्योंकि उनका ये सपना है मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं हो सकता है अनपढ़ों के नीचे मैं ज्यादा तेजी से तरक्की कर जाऊंगा क्योंकि जबान में आसानी होगी सीखने में, कारोबार में जो मोटा कर सकूंगा वो मैं आसानी से कर सकूंगा, मतलब लैंग्वेज भी आ जाएगी, पढ़े लिखे ज्यादा जा रहे हैं भाई साहब पढ़े लिखे काम भी जाते हैं मेरे हिसाब से भाई, स्टडी वीजा स्टडी वीजा लग जाता है, बाकी ये बात भाई के रिस्क लेते हैं ये जान की बाजी लगाते हैं, इनके साथ रास्ते में भी बड़ी खराबी होती है कई रास्ते में अगवा हो जाते हैं और वो ऐसी ऐसी वीडियो सामने आई भाई वो इतना इनको मारते पीटते हैं ना और घर वाले तो पैसे मांगते हैं पकड़ लेते अगवा हो जाते हैं, खास तौर पे ईरान में, खास तौर पे ईरान में जो होते हैं ना वो कर लेते हैं, और मैंने एक वीडियो देखी थी वो स्त्री के साथ ना उसकी वो पीठ जला रहा था ऊपर से मार रहा था खींच रहे थे यार बहुत जुल्म करते हैं और वीडियो बना के और घर वालों को भेजते हैं पीछे कि ये मेरे कब्जे में पैसे भेजो, वो बेचारा माँ बाप उसकी इतनी मजबूरी बन जाती है भाई साहब, वो किसी ना किसी तरीके वो पैसे अदा करता है वो जो मार देते हैं उसको वही ना उनके लिए कोई भी, ये जो गए थे ना हमारे गांव के लोग भाई साहब बोलते हैं रास्ते के अंदर लाशें पड़ी थी उनसे उनके ऊपर से गुजर कर गए हैं ऐसे ही होता है, मैंने एक देखी थी वीडियो इंडिया के भी लोग डंकी खास तौर पे पंजाब और हरियाणा वाले लगाते हैं वो ये, तो बहुत लंबी चोरी लगा उनकी तो और भी ज्यादा होती है वो तो जंगलों से गुजर के जाते हैं अमेरिका में वो मेक्सिको के रास्ते से, वो एक फिल्म भी बनाई है ना उन्होंने वो भी बड़ी भाई मुश्किल होती है, ये तो चलो छोटी थोड़ा एरिया बन जाता है यार, ये तो सेंटीव से मतलब है ऐसे पहले भी एक मतलब वो शिप गिरी थी ये तो बड़े बड़े शिप है ना जो गिरे थे भाई साहब, आए दिन जो है ना बहुत दिन मंडी साइड मंडी वाली साइड बहुत दिन वाली साइड इस साइड पे भाई साहब डेली दो चार इस तरह की लाशें आती रहती है वो लोग भी नहीं रुकते, सही बात है भाई इधर बंदा भूख मरने से कहते हैं अच्छा है कि भाई उधर रिस्क ले रहे, लेकिन हमारे उन्होंने वो जड़ पकड़ लिया है, ऐसे होता ना कि भाई के बंदा कहता है कि अगर वो लिखी है मौत उधर लिखी है तो कोई रोक नहीं सकता, जिधर खाना पानी है वो खाना पानी खा पी कर जिधर मौत, लेकिन ये भाई नुकसान हुआ है बहुत ही ज्यादा नुकसान और बदनामी भी हुई है, और मैं तो कहूंगा कि भाई माँ बाप को भी इस तरह का रिस्क ना ले कि अपने थोड़े से हमारी हुकूमतों को भी सोचना चाहिए ना, हुकूमतें क्या करे हुकूमत है तो छुप छुपा के ये जा रहे हैं लेकिन हुकूमतों की नाअहली की वजह से तो जा रहे हैं, अगर इधर मौके फराम किए जाए तो भाई साहब क्यों जा रहे हैं, हुकूमत ने तो तुर्की के साथ मुआहदा कर रखा था कि चलो इस तरीके से यूरोप में निकल के लोग चलो कुछ चार पैसे कमा लेंगे अपने घरों को सपोर्ट कर लेंगे, इधर तो यार कोई बात है ना आगे हाथ फैलाया हुआ है ना आगे हाथ ऐसे किया है बजाय इधर ही अपॉर्चुनिटी दी जाए तो बेचारा कौन जाए फिर, हर बंदे की ख्वाहिश है पाकिस्तान के अंदर जो भी है ना बंदा हर बंदे की ख्वाहिश है भाई साहब इधर से निकल जाए, जो हालात चल रहे हैं जो हमारे भूख को दबाया जा रहा है, जॉब आपने लेनी है आपकी सिफारिश अच्छी हो पैसा अच्छा हो वो अगर आपने 40,000 रुपया देकर मतलब मंथली कमाना है वो 1-2 लाख ज्यादा देकर बाहर चले जाए, वो हमारा वजीर आला परवेज नहीं उसके ऊपर जो केस है वो यही केस है, नौकरियां आई थी उसने सारे अपने बंदे रखवा दिए थे पैसे लेकर, बस ये जिसका हक है वो उसको हक ही नहीं दिया तो पैसा लोग बाहर नहीं जाएंगे और किधर जाएंगे और चारा भी नहीं है, एजेंट लोग देते हैं 50-50 लाख कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इतने लोग मरे इतने लोग मरे फिर भी लोग रुकेंगे नहीं रुकेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हालात कुछ ऐसे ही है कि भाई बंदा रुक ही नहीं सकता, तो ये सिर्फ कश्मीर के नहीं ये मैं मिसाल दे चुका कि हमारे गांव के 100 से ऊपर के लोग जो इसी तरीके से जा चुके हैं, तो ये हमारे गांव से और हमारे आसपास के गांव से भी कितने लोग जाते हैं वो एजेंट ले लेते हैं पैसे वो भेजते हैं कई रास्ते में नुकसान हो जाता है, और इधर जो है वो बड़े सपने दिखा के जाते हैं भाई, मेरी एक दो बंदों से बात होती रहती है
वो कहते कि इधर से बताते हैं कि मैं अच्छा खाना देंगे रास्ते में, अच्छा ख्याल रखेंगे, वो कहता पीने के लिए पानी नहीं देते। वो एक बोतल का ढक्कन ढक्कन जो होता है वो पीते हैं सिर्फ, और वो भी सख्त गर्मी में जब रास्ते में चलाते हैं ईरान के। भाई साहब एक एक जो कार है ना वो डॉलर टाइप, उसके अंदर 25-25, 30-30 लोग धर लेते हैं यार। अभी शिप और जब पानी मांगते हैं तो भाई साहब उसको उल्टा मारते हैं। अब देख लो शिप कितनी, ये शिप वाले का तो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई मैं इतने बंदे ना एक बंदे को इतने पैसे लूंगा, और उसकी ख्वाहिश यही होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोड कर लूं। और आपने भी शिप देखी भाई, उसने कोई जगह छोड़ी नहीं थी कि बंदा कोई बंदा खुले ऐसे टांगे फैला के बैठ जाए, वो ऐसे करके बैठे होते बेचारे। अगर उस तो जो 750 बंदा उसके अंदर तकरीबन 300 ही ले जाते भाई साहब, वो सेफ तो चले जाते। वही तो लालच की वजह से मारे गए भाई साहब। इसके अंदर ना यूनान के जो है आर्मी जो है उस वो इतनी स्पीड से भाई साहब उसको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, हक यार ना सल्यूट करता है उन लोगों का। हालांकि दूर थे लेकिन उन्होंने जितना कोशिश की ना बचाया भाई साहब। और हमारे लोग देख लो वो क्या कर रहे हैं, और वो लेख लोग इसी वजह से लोग पैसा इधर से उधर जा रहे, सिक्योर है, लाइफ अच्छी है, बच्चों का भविष्य है, इधर तो कुछ भी नहीं है। क्या पैसा चलो जी ठीक है भाई, अब दुख वाली बात है और ऊपर वाला भाई माँ बाप को भाई सबर दे जिनका हाँ, इतना ज्यादा लॉस हो चुका है। तो एक एक फैमिली के तकरीबन 12 लोग बोल रहे थे, वो पूरी फैमिली हो गया है, फैमिली का क्या पीछे क्या रह गया। सही बात है। तो ठीक है भाई, वो ना एक और भी सर ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई कुछ लोग जो है ना होते हैं जो मजाक उड़ा देते हैं कि कोई जान मर गई, चलो अच्छा हुआ पाकिस्तानी मर गए, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ना एक बड़ा शेर है, दुश्मन रहते खुशी ना करिए सजना भी मर जा। तो ये आज हालात इधर हैं तो कल उधर भी हो सकते हैं, तो इस तरह की ना खुशी नहीं मनानी चाहिए। आई विश के भाई साहब किसी की जान ना जाए, सारे जो औलाद होती है ना वो माँ बाप के लिए बड़ी कीमती होती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।